Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Good morning. Hello guys, welcome to my new vlog and very 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 good morning. और एज़ आपको थंबनेल से पता चल गया ही होगा कि आज किस बारे में मेरा ब्लॉग है. अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब मैं प्रोफेशनल एक फिजियो हूँ और मेरी लाइफ का एक दिन कैसा जाता है, कोई सा भी दिन, एक रैंडम कोई सा डे कैसा रहता है, इजेंट अ वेरी प्रोडक्टिव है कि नहीं, नॉर्मल है, पता नहीं, वो तो ब्लॉग देखने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा, आप लोग डिसाइड करना कि कैसा है. तो अभी बजे है सुबह के 7, चाय वाय हो गई है, न्यूज़पेपर हो गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और अब हम जाएंगे डेली रूटीन के काम करेंगे अपना घर का, उसके बाद जाएंगे काम पे और मैं आपको अपने साथ साथ ले जाऊंगी. मैं आज अकेले काम पे नहीं जा रही हूँ, आप भी जा रहे हैं मेरे साथ, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को इसको बिल्कुल मत करिएगा. नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा. तो चलिए चलते हैं काम करने. तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, चलते हैं अब अपने काम पे. और मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ग्लासेस लगाए हैं क्योंकि मुझे ड्राइव करने में दिक्कत बहुत होती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो धूप में ड्राइविंग में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए सेफ्टी लेके चलना चाहिए, तो ग्लासेस लगा लिया मैंने. और अपना बैग, हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूर लगाइए अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो, क्योंकि हाथ पैर टूटे तो ठीक है, कुछ तो हो ही सकता है, बट अगर ये गया ना तो कुछ नहीं हो सकता, तो हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है. सब लोग हेलमेट लगाइए अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो. तो चलिए काम पे चलते हैं. तो अभी हॉस्पिटल का राउंड हो गया है, मैं राउंड लेके आ गई हूँ. वहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकती क्योंकि इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं और प्राइवेसी इशूज की वजह से. और अभी मैं दादी के पास आ गई हूँ, ये पेशेंट कम दादी है मेरी, मैं इनको डेली एक्सरसाइज कराने आती हूँ. और अब यहाँ से जाते हैं हम अपने क्लिनिक की तरफ और माँ को बाय बाय बोलते हैं. बाय माँ. Good morning.
अभी मॉर्निंग का शिफ्ट पूरा हो गया है, 1 बज गए हैं, मॉर्निंग शेड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया, पेशेंट्स का जितने पेशेंट के अपॉइंटमेंट थे मैंने सबको देख लिया है। पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेसी रीजंस की वजह से, जिनका मैंने क्लिप्स आपको दिखाई वीडियो में उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था इसलिए मैंने आपको दिखाया। और अभी 1 बज गए, अब लंच का टाइम हो गया है, अब मेरे असिस्टेंट भी जा चुके हैं और 1 बजे से 4 बजे के बीच मेरा लंच का टाइम है, तो अभी हम जाएंगे थोड़ा चेंज करेंगे, लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद 4 बजे वाले शिफ्ट में दोबारा मिलते हैं। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और तब तक आप भी लंच करिए, फिर मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। और अभी 4 बज गए, दूसरा शिफ्ट चालू हो गया और बन गई है मेरी चाय। चाय के बिना तो मतलब दूसरा शिफ्ट स्टार्ट होता ही नहीं है, तो अभी चाय पी के चलते हैं, पेशेंट देखते हैं अपने और बुक हो जाते हैं अगले 8 बजे तक के लिए। और आपको मैं इवनिंग शिफ्ट के पेशेंट से कुछ से मिलवाती हूँ जो वॉलंटियर करते हैं, अदरवाइज़ बाकी प्राइवेसी इशूज़ है मैंने आपको पहले ही बताया। तो आई होप आपने लंच किया होगा, लंच अच्छा रहा होगा, आप शाम के लिए तैयार हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ होती हैं, मोडालिटीज़ और एक्सरसाइजेस की हेल्प से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पीडियाट्री, हर तरह के केसेस होते हैं, पर मोस्टली न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक केसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एक स्लॉट देते हैं, उनका एक स्लॉट होता है, एक टाइम, वो अपने टाइम पे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी फिजियोथेरेपी के बारे में, क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कई लोग अभी भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो अभी हो गए हैं 8:30 और हम घर आ गए और पूरा दिन का शेड्यूल मैंने आज आपको आपसे शेयर किया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये दिन प्रोडक्टिव था मेरा कि नहीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ ना बहुत भाग दौड़ वाली होती है, आपको काम की जगह भी क्लिनिक में भी खड़े खड़े बहुत टाइम बिताना पड़ता है, पेशेंट के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उनकी एक्सरसाइज करानी पड़ती है, तो थ्रू आउट डे बहुत हैक्टिक होता है। तो इस तरह का दिन होता है मेरा नॉर्मली एज अ फिजियो। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। आप मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।